resistors in. Resistors are represented by this symbol. ये सिंबल की कह रहे हैं कि सीधी वायर चो करंट जा रहा है, करंट के रस्ते चो रुकावट आ गई, हर्डल आ गई, पहाड़ियां आ गई, ये समझो ठीक है। इन्हों नु क्रॉस करना पौगा करंट नु, जे करंट ने अगे जाना, गॉट इट। तो ये वाला सिंबल ऑब्सटैकल नु ऑपोजिशन नु रिप्रेजेंट करता। ऑपोजिशन मतलब बहुत सारे रेजिस्टर लैके पहला सीरीज जोड़ के देखांगे, फिर उन्होंने पैरल से जोड़ के लिखांगे। आपां नूं क्यों जरूरत पैंदी है, आपां क्यों जोड़दे आ सीरीज के पैरल के विच? तुसी हाई रेजिस्टेंस या फिर लो रेजिस्टेंस क्रिएट करन लई, प्रोड्यूस करन लई रेजिस्टेंस दा की बनाउंदे हो? कॉम्बिनेशन बनाउंदे हो, ठीक है जी। तो तुसी कॉम्बिनेशन क्यों बनाउंदे हो? ताकि तुसी रेजिस्टेंस जिहड़े फिक्स रेजिस्टेंस आ इहनूं वी वेरिएबल नाल ट्रीट कर सको, रेंज क्रिएट कर सको घट्टो घट्ट ते वधो वध, ठीक है। फर्स्ट नंबर लिखो रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टर्स इन सीरीज। स्टार पाके वैसे नोट कर लो साइड पे, वाई वाच टीचर पूछ लेना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सिंबल एंड दिस सिंबल। ए रेजिस्टेंस है, देखिए जी वेरिएबल कंसीडर थ्री रेजिस्टर्स, समझ लो पहला R1, R2, R3 कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर एंड कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ EMF, वोल्टेज प्रोवाइड की हुई है, क्लियर। नाउ इट इज क्लियर दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द सर्किट, व्हाट इज द फंक्शन टू प्रोवाइड करंट और टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। लो जी तू करंट चल गया, एदे विच भी निकले इत्थे पहुंच गया, इथों निकले अगे चल गया, इथों निकले अगे चल गया। करंट नू अकॉर्डिंग टू अलग अलग वैल्यूज 10, 20, 50 डिफरेंट वैल्यूज ने R1, R2, R3 अलग अलग रुकावट फील होगी करंट, करंट नू वर्क करना होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट होगी, यस ऑर नो? ते उसी हिसाब नाल करंट फ्लो करूगा, इत्थे वापस किन्ना करंट आ जाऊगा। तो की चीज सेम रही करंट की रहा सीरीज कॉम्बिनेशन च? सेम रही, फर्क किस चीज का होगा? मैं हमने कहा कि करंट में रुकावट फील होगी, करंट मतलब चार्ज कौन टाइम चार्ज ही रुक रहा है, बैटरी उते वर्क करोगी, व्हाट इज पोटेंशियल वर्क डन ऑन चार्ज, में अलग अलग रुकावट फील होगी, चार्ज फ्लो करने लिए वर्क लगेगा, उस वर्क को की कहेंगे पहले सर्किट के थ्रू V1, दूसरे सर्किट लिए V2, तीसरे सर्किट लिए V3, क्लियर। दूजे वर्ड्स विच तुसी इन अदर वर्ड्स कह सकते हो ईच रेजिस्टर विल डिस्प्ले देयर ऑपोजिशनल बिहेवियर एंड दे विल ब्लॉक करंट अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी देयर एबिलिटी। अपने हिसाब नाल रेजिस्टर्स करंट नूं की करनगे? रोकण दी कोशिश करनगे। तां इत्थे कुछ पोलैरिटी क्रिएट हो जूगी, इत्थे पोलैरिटी क्रिएट हो जूगी, इत्थे पोटेंशियल डिफरेंस आ जूगा V1, V2, V3। एनी प्रॉब्लम? अकॉर्डिंग टू ओम
Newton's law. Very simple. V is equal to V1 is equal to V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3. Yes or no? For series combination. Total potential get divided into three parts. V1, V2, V3. Put the values here. V is equal to IR, IR1, IR2, IR3. Take I common. R is equal to R1, R2, R3. Which combination? Series combination. Yaad karo. Capacitors wale case de vich. For series combination. Formula kisi na? 1 by C 1 by C 1 by C 2 by C. Resistors ni formula kisi na? R1 R2. Difference. It is clear that each resistor is directly connected to the source of potential. Yes or no? Har ek jada resistor hai, oh sidhi sidhi wire na kithe judya hoya? Battery na. First terminal, sare na aapas judya hoya. Second terminal, sare na aapas judya hoya. Kera combination hai ji? Parallel combination hai. Capacitors bhi apne mein check kar lenge. Theek hai? Aur sare na voltage na same mil rahi hai bache. Aur jada current hai, it is getting divided into three parts at this point. Why? Because junction point is here. If you go to the railway lines, you will get a track. So, the current will also be three parts. The current will be cut back. Back to the battery source. Now, we can say that I is equal to I1 plus I2 plus I3. Take it first equation, stop writing. Pehla samjho. According to Ohm's law, V is equal to IR, I is equal to V upon. For first resistor, for second resistor, V upon R2. For third resistor, V upon R3. Put here one. Karo put chalo. Check karo. V upon R, V upon R1, V upon R2, plus V upon R3. Take V common. 1 by R, 1 by R1, 1 by R2, plus 1 by R3. For parallel, formula is reciprocal of each value. Her value mein ulta karna chahiye. Jo ki capacitor ke vich series se hai.
फॉर्मूले कट के जरूर लिखा करो, एक पेज पर लिख लिया करो, वो यूनिट के पेस्ट कर दिया करो बुक के ऊपर, फॉर्मूले पता होने चाहिए। क्वेश्चन आ गया, सिंपल का क्वेश्चन कर दिया। कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 3/2, 3/2, 2/3, 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
आज असाइनमेंट देने से मैं नहीं दिखती मैंने वैसे आप टॉपिक करोगे मैं तो बहुत क्वेश्चन मान रहा हूँ तो कल असाइनमेंट नोट करो जी एंड डू दिस क्वेश्चन सीरीज
होती है डायरेक्ट एडिशन. तो आर टोटल क्या आ गई, आर वन आर फोर आर टू थ्री टू प्लस वन फाइव. ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम इन नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या आया, थ्री बाई टू. थ्री बाई टू बाई फोर्थ क्वेश्चन देखो, आर वन आर टू पैरेलल, वन बाय वन प्लस वन बाय वन इज इक्वल टू वन बाय आर वन टू. वन बाय वन की हो गया टू बाय वन, आर वन टू की हो गया वन बाय टू. आर थ्री आर फोर पैरेलल, वन बाय आर थ्री वन बाय आर फोर, वन बाय टू वन बाय टू टू बाय टू. फोर्थ क्वेश्चन क्लियर है सबको? एनी डाउट टू एनीवन? एवी नहीं गई ना नंबर पर थे? नहीं पहले तो कर दी. वेरी इजी क्वेश्चन ना, कैपेसिटेंस वाले दिखते नहीं आता सब की अपन. सिक्स क्वेश्चन तो फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो बच्चे. लेबलिंग आर वन आर टू आर थ्री आर फोर. हाँ जी दसो मैं, वट इज़ द रिलेशन बिटवीन आर टू एंड आर थ्री? आर टू एंड आर थ्री आर इन पैरल कॉम्बिनेशन. कि पता चल गया, फर्स्ट एंड ना जुड़िया हुआ, सेकेंड एंड ना जुड़िया हुआ. तो आर टू थ्री कितना होगा, वन बाय आर टू वन बाय आर थ्री. आर टू थ्री वन बाय आर टू वन बाय आर थ्री कितना हो गया टू बाय थ्री. आर टू थ्री कितना आ गया थ्री बाय टू. उस तो बाद बच्चे ने मॉडिफाइड डायग्राम बना लिया करो अगर थोड़ा कोई नहीं होगा. दोनों का कॉम्बिनेशन में इतने लगा करो. आर टू नाउ दिस ऑल थ्री आर इन सीरीज. कि मैं पता चल गया, जब मैं वायर फट के सीधी कर दूँ तो एक कोई वायर है, जब मैं इतने डॉट्स लगा लिया हूँ फिर काम गलत है. जितने डॉट्स लग गए मैंने फिर यह पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाता है. क्लियर? क्योंकि अलग हो गया कनेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे?
Sixth question. Any problem in any question? Here, anybody want to go? Any problem? No. सोचो जस्ट इमेजिन नहीं तो ऊपर साइकिल चला के घर जा रहे हैं जा रहे बस वहां चला के हाफ डे पहला आप जो रजिस्टर्स दिते हुए ने कॉम्बिनेशन दे विच उन्होंने आप लेबल कर लेंगे आर वन फाइव ओम आर टू नाइन ओम आर थ्री आर फोर एंड आर फाइव उस तो बाद आप इन्होंने जो एंड्स ने उन्होंने लेबल कर लेंगे ए तो स्टार्ट करेंगे आए दा फर्स्ट एंड सैकेंड एंड ए तो स्टार्ट किया फर्स्ट एंड सैकेंड एंड ए तो दोबारा स्टार्ट किया तो जब आप इस डायरेक्शन जावे यदा फर्स्ट एंड सैकेंड एंड फिर दोबारा ए तो जो स्टार्ट करेंगे तो यदा फर्स्ट एंड सैकेंड एंड फिर दोबारा ए तो स्टार्ट करने वाले यदा फर्स्ट एंड सैकेंड एंड सीरीज दे विच आपां ए पढ़दे आं वी जो किसी भी मतलब रजिस्टर का दो रजिस्टर कॉम्बीनेशन दे विच ने ते उन्हां दा सैकेंड एंड फर्स्ट नाल ते फर्स्ट एंड सैकेंड नाल जुड़िया होया तां कहांगे वी ओह सीरीज दे विच ने इत्थे क्लीयर आ वी जिहड़ा आर वन आ ते आर टू आ आर वन दा सैकेंड एंड आर टू दे फर्स्ट एंड नाल जुड़िया होया मतलब आर वन एंड आर टू आर इन सीरीज सीरीज कॉम्बीनेशन दे विच रेजिस्टेंस कढ़न लई आपां नूं जिहड़े रेजिस्टेंस दी वैल्यू रेजिस्टेंस दी वैल्यू दित्ती हुंदी आ उहनां नूं आपां नॉर्मली ऐड कर दिंदे हुंदे आ तां आर वन टू दी वैल्यू कढ़न लई आपां करांगे आर वन प्लस आर टू आर वन टू आ गया आर वन टू आ गया 40 उस तो बाद जेड़ा इत्थो भी आपां नूं क्लियर आ वी जेड़ा ना फर्स्ट एंड आ वो फर्स्ट नाल कनेक्टेड आ इहदा जेड़ा सेकंड एंड आ वो सेकंड नाल कनेक्टेड आ तां मतलब ए सीरीज कॉम्बिनेशन दे विच तां नहीं हैगा तां जदों फर्स्ट नाल कनेक्टेड हुंदा ते सेकंड नाल कनेक्टेड हुंदा ओहनूं आपां बोलदे आ पैरेलल कॉम्बिनेशन तां मतलब जेड़ी इहनां दी ओवरऑल रेजिस्टेंस दी वैल्यू आई आ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾ ਦਈਏ 14 ਓਮ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਰ ਵਨ ਟੂ ਐਂਡ ਆਰ ਫੋਰ ਆਰ ਪੈਰਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰ अपने आर वन टू अपने को आर वन टू फोर निकल अपने को अपने जे आर वन टू फोर की वैल्यू कढ़नी है तो आप रेसीप्रोकल करना हो 140 अपॉन 24 ओम आ गया कटिंग कर दो हम कटिंग मिली है जी ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਇਸ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਦ ਫਸਟ ਐਂਡ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰ 1 2 4 3 ਮਤਲਬ ਆਰ 1 2 3 4 ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰ 1 2 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ 3 ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ आर थ्री अपने को थ्री हो सब्सक्राइब करो एंड साडे चैनल नू वध तों वध शेयर करो थैंक यू ऑल